हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस, आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के दोस्तों। ठीक है, क्या है आज हमारे सेशन में, क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, नवीनतम घटनाओं पर आधारित जो भी घटनाएं होती हैं उन पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। साथ में स्टैटिक जीके भी आपके लिए लेकर के आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी इसको देख करके जा रहे हैं, गारंटी एनटीपीसी में क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। राजकमल प्रसाद जी प्रणाम, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली एक इंफॉर्मेशन, हालांकि अगेन सेशन रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आप लोगों में से कोई भी अगर बैंक की तैयारी कर रहा हो, या आप में से, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड हो जो बैंक की तैयारी कर रहा हो, तो उसको बताइए, अगर इस बार का उसका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हुआ है तो गाइडली बैंक एंड इंश्योरेंस, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, उससे जुड़ा रहे। बहुत जल्द कुछ बेटर रिवील किया जाएगा उनके लिए। आनंद कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो दोस्तों, आज अगेन एसबीआई पीओ मेंस का अगर किसी व्यक्ति का एग्जाम है, या आपके किसी दोस्त का एसबीआई पीओ का एग्जाम है, तो ये एसबीआई पीओ एग्जाम्स के जैसा ही एक एग्जाम आज सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इस एग्जाम को जरूर दे, क्योंकि ये स्कोर प्रेडिक्टर होगा। इसमें जो मार्क्स आपके आने वाले हैं उसी के आसपास एसबीआई पीओ में आपके मार्क्स आएंगे। चलिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि गाइडली बैंक एंड इंश्योरेंस, जो हमारा दूसरा चैनल है, उससे रिलेटेड थी। अब आगे बढ़ते हैं, आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमारे होंगे, आंसर आपके होंगे। ममता जी वेरी गुड मॉर्निंग, हनी जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से किसने विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, सहकारी समितियां आपने सुना होगा, जितने भी रूरल एरिया से रिलेट करते होंगे वो सहकारी समितियों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो सहकारी समितियों में पूरे विश्व में 300 सहकारी समितियों की सूची में सबसे ऊपर कौन आया है दोस्तों? ठीक है, ये जान करके आश्चर्य होगा, और अच्छी बात है कि हमारा देश है, भारत है, भारत का इफको, ठीक है, इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आया है, जानते हैं इसके बारे में। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, अमूल की सहयोगी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। प्रभात कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जहां जहां पर भी आप जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, उन तक इसको पहुंचा दीजिएगा। संध्या जी वेरी गुड मॉर्निंग। देन तो यहां पर 300 लीडिंग कोऑपरेटिव्स को लिया गया, जिसमें पहला और दूसरा, तो दूसरा अमूल, अमूल भी एक कोऑपरेटिव्स के द्वारा क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो अमूल, अमूल का हेड ऑफिस कहां पर है? आनंद गुजरात में है, जानते हैं इसके बारे में। रैंकिंग को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, हिंदी में बात करें तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर द्वारा यह रैंकिंग जारी करी गई है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति के कारोबार के अनुपात पर आधारित है। ये जो रैंकिंग दी गई है किस पर आधारित है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रति व्यक्ति के कारोबार के अनुपात पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहले वर्चुअल एक्सपो 2021 का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, एक्सपो का मतलब होता है एक तरीके से जो प्रदर्शनी होती है ना, एग्जीबिशन, उस वैसे ही एग्जीबिशन के जैसे ही दोस्तों एक्सपो भी होता है, तो हम एक्सपो की बात करें तो पहला वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन एक्सपो है, और किसके लिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसमें? प्रोसेस्ड फूड सेक्टर। अब दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड सेक्टर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट जैसे नागपुर अगर मैं बात करूं तो नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है, और वहां पर क्या है दोस्तों, पतंजलि ने एक फैक्ट्री लगाई है जो कि क्या करेगी, सीधे किसानों से ऑरेंज परचेज करेगी, और परचेज करने के बाद इसको प्रोसेस करके जूस में कन्वर्ट करके क्या करेगी, सेल आउट कर देगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं इनको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो ये इनॉग्रेट किया दोस्तों रमेश्वर तेली ने, जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री रामेश्वर तेली ने प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए पहले वर्चुअल एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया। मंत्री द्वारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान एवं विकास पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। पोर्टल में देश भर के संस्थानों द्वारा किए गए शोध शामिल होंगे। मतलब प्रसंस्कृत फूड पर अब तक जितने भी रिसर्च हुए हैं वो सभी रिसर्च यहाँ पर शो ऑफ किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। जैसे प्रदर्शनी में आप जाते हैं ना संध्या जी, आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा, अगर सेशन से रिलेटेड नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, GAGS by अखिलेश अवस्थी। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। आप यहां पर टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और जो भी आप पूछना चाहते हैं पिन कर दीजिएगा मुझे मैसेज, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहां भी पूछ सकते हैं, अगर शॉर्ट में बताना होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप यहां पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी से, ठीक है। आप कोई भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरी आईडी है टेलीग्राम की। चलिए नेक्स्ट, तो पोर्टल हैज अराउंड 200 रिसर्च प्रोजेक्ट, यहां पर लगभग 200 रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला बताइए, मेस्क्रेट 2021 के सातवें संस्करण तस्करी और नकली व्यापार के खिलाफ आंदोलन का उद्घाटन हर्षवर्धन ने किया, इस आंदोलन को किसने आयोजित किया है? स्नीक गैंग, देखिए माइक की वॉल्यूम अप ही है, ठीक है। माइक की वॉल्यूम का कोई ऑप्शन जो भी यहां पर थे वो मैंने सारे अप कर रखे हैं, फिर भी अगर वॉल्यूम अब तक कम पहुंच रही है तो आज एडजस्ट करिए, ठीक है, क्योंकि अब तो चलते सेशन में मैं कोई चेंज करूंगा तो लैब हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अगेन मैं इसके बाद इसको चेक करूंगा और कल से ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपको, अगर आज आ रही है देन। चलिए, तो अगेन दोस्तों ये है फिक्की कैस्केड। अब इस न्यूज के बारे में जानते हैं, आखिर मेस्क्रेट 2021 क्या है, समझिएगा। देखिए मेस्क्रेट 2021 ये जो सातवां संस्करण है ये तस्करी और नकली व्यापार, दोस्तों तस्करी का मतलब क्या होता है, तस्करी उस व्यापार को कहते हैं जिसमें व्यापार करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, अगर उनका व्यापार करते हैं तो वो चीजें क्या है, आपके लिए तस्करी मानी जाएंगी। जैसे आप देखते हो, अक्सर आप सुनते हो किसी देश से कोई सोना ले आया छुपा करके, ठीक है, तो ये क्या है, ये तस्करी बोलते हैं इसको। और नकली व्यापार का मतलब है काउंटरफीट ट्रेड, मतलब इसका जो भी ब्रांड का नकली प्रोडक्ट इंडिया में आ जाता है, जैसे रीबॉक का रीबुक आ जाता है ना, तो ये नकली व्यापार कहते हैं कि आप ब्रांड नेम को दिखा रहे हैं और थोड़ा सा आपने चेंजेस किया और कस्टमर भारत का इतना अवेयर नहीं है, उसने आपको प्रोडक्ट को खरीद लिया असली समझ करके, लेकिन वो निकला क्या, नकली। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको फिक्की का फुल फॉर्म है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसने आयोजित किया। फिक्की के इस समय अध्यक्ष कौन है, फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर, 2020-21 वर्ष के लिए, ठीक है, और हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, आप लोग आंसर नहीं करते हैं, जो भी आपको लगता हो आंसर करिए। बिडेन का मतलब, यहां पर हम जो बिडेन की बात कर रहे हैं, तो जो बिडेन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, इसके पहले की जो मैंने करंट अफेयर्स आपको कराई है उसमें मैंने इसको बताया हुआ है। तो बिडेन ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते और WHO से फिर से जुड़ने का आदेश दिया है। किस वर्ष में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की थी? चलिए मैं बताऊंगा संध्या जी, ठीक है, मैं बता दूंगा। मैंने कहा ना आप टेलीग्राम पे पिन कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका कंफर्मेशन मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से रिलेट करता हूं, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा देन आपको बता दूंगा, या तो आप में से किसी को अगर आंसर पता हो तो कर सकते हैं। तो बिडेन अगेन याद रखिएगा, पेरिस जलवायु समझौता और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका बाहर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप जो इनके पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने काम किया था, बट जो बिडेन ने कहा है हम वापस आएंगे, तो इसका सही आंसर है बी 2017 से अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की थी। हनी टैली जी बिल्कुल सही आंसर किया आपने, यस। अगेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद जो बिडेन ने
पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन को फिर से जुड़ने का आदेश दिया है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फंडिंग से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन को अलग करते हुए कहा था कि अमेरिका संगठन से हट जाएगा। और WHO दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और आपके NTPC के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। यह निकासी, ये जो विड्रॉल है, जुलाई 2021 में कन्फर्मेशन, अगेन जुलाई 2021 में होना था लेकिन अब इसको रोक दिया जाएगा। अनाउंस 2017 में किया था लेकिन कन्फर्मेशन कब मिलना था पूरी तरीके से, वो है जुलाई 2021 में, ठीक है। और यूएस प्रेस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से 2017 से हटने की बात कही है। क्लियर हो गई मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जैसे इंडिया में कौशल केंद्र बनाए जाते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना है ना, प्रधानमंत्री कौशल योजना समझिएगा यहां पर, तो ये दोस्तों UAE, हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात, जानते हैं इस न्यूज के बारे में। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए, दोस्तों ये ब्लू कॉलर श्रमिक कौन होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं ना उनको ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। और एक शब्द होता है व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर का मतलब जो कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं, जिनको जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करना होता है, जैसे जो मैनेजर वगैरह है, प्रबंधक वगैरह। तो भारत सरकार के पहले अपस्किलिंग एंड प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन। इसका उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया था। विदेश मंत्री कौन है, ये हैं हमारे देश में एस जयशंकर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ये है वी मुरलीधरन, इन्होंने किया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस कौशल केंद्र को UAE में, वहां भी DPS है, दिल्ली प्राइवेट स्कूल वहां पर भी है, दिल्ली प्राइवेट स्कूल जेबेल अली UAE में जो है उसी में ये कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस कौशल केंद्र में जो अगेन भारतीय श्रमिक हैं उनको अरबी सिखाई जाएगी, अंग्रेजी सिखाई जाएगी और कंप्यूटर अनुप्रयोग में कक्षाएं दी जाएंगी। जी ममता जी ने भी आंसर किया है यहां पर, बिल्कुल हनी डेली, बिल्कुल यस। तो UAE की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, मतलब राजधानी अबू धाबी है, करेंसी मुद्रा दिरहम है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, खलीफा बिन जायद अल नहयान, याद रखिएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कैपिटल करेंसी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देन किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखा है? ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपने सुना है या नहीं? जितने लोग भी सेशन देख रहे हैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट को खाया है? ड्रैगन फ्रूट, अब ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, चलिए आपको बताता हूं। फिलहाल याद रखिएगा इसका नाम कमलम किसने रखा है, तो इसका नाम कमलम रखा है दोस्तों गुजरात ने। जानते इसके बारे में, ये कुछ इस तरीके का फल होता है, देखा है आपने, ठीक है। अगर बाजार में आप फलों की दुकान पे जाते हैं तो कुछ जो दुकानें हैं वहां पर ये फ्रूट रखा हुआ मिलता है, ये फल है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, राजकमल। तो दोस्तों गुजरात के सीएम है विजय रूपानी ने कमल के फूल के आकार के कारण, उनका कहना है इसका जो आकार है वो कमल के फूल जैसा है, इसलिए हमने इसका नाम कमलम रख दिया है, ठीक है। तो ड्रैगन फल दक्षिण और मध्य अमेरिका के लिए स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है, जहां इसे पिटया या पिटहया कहा जाता है। और ड्रैगन फल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है। ड्रैगन फल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो वियतनाम में पाया जाता है, याद रखिएगा। लगभग आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि 50-100 रुपए का एक मिल जाता है, कुछ जगहों पर महंगाई है तो और थोड़ा महंगा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट, स्नीक गैंग, बिल्कुल यस आंसर किया आपने। अब कमलम के बारे में समझिएगा, भारत में ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये 1990 में लाया गया था और इसको कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड में उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है भारत में। नेक्स्ट, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में देख लीजिएगा, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा। तो इन सभी के नाम, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट,
नीति आयोग ने शहरी क्षेत्रों में मल और कीचड़ प्रबंधन पर एक पुस्तक जारी करी है। नीति आयोग का मुख्यालय क्या है? अभी आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के प्रमुख कौन है, तो प्रमुख कौन होते हैं इसके, जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो इसके प्रमुख होते हैं, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार है इस समय। और मुख्यालय कहां पर है? तो नीति आयोग का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। नई दिल्ली, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनकर के तैयार हुआ था और इसने योजना आयोग को हटा दिया था। इसके पहले क्या था दोस्तों? भारत में योजना आयोग था जिसको इसने परिवर्तित कर दिया था। ममता राजकमल, यस आंसर किया आपने, चलिए बिल्कुल सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब अगेन इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है अमिताभ कांत, इन्होंने किया है। ये नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव के राजेश्वर राव और अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, इन सभी ने मिलकर के इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगेन पुस्तक में 27 मामलों का अध्ययन किया गया जिसमें मल और कीचड़ प्रबंधन की पहल को लागू करते हुए सेवा और व्यवसाय मॉडल का वर्णन किया गया है। नीति आयोग बता दिया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर ने पनडुब्बी बचाओ सहायता और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस संवाद में इसे हस्ताक्षरित या साइन किया गया था? अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं चीजों को तो आपको चीजें थोड़ा सा आपको क्या है टफ लग सकती हैं, बट अब इसको करते जाइए, इतना कर लेंगे ना तो आप मान के चलिए आपने बहुत कुछ कर लिया है। करंट अफेयर्स पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा। तो ये है दोस्तों पांचवा डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग। देखिए यहां पर डायलॉग का मतलब है मीटिंग या सभा, तो पांचवी रक्षा मंत्रियों की यहां पर एक मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। जानते हैं इसके बारे में? नीतेश चौधरी, बिल्कुल। तो ये देख लीजिएगा, ये इस तरीके से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो भारत और सिंगापुर ने दोनों नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाओ सहायता और सहयोग पर एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पांचवें रक्षा मंत्रियों के संवाद में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कब? पांचवा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके समझौते, मतलब उनके डायलॉग में इसको किया गया है। ममता जी बिल्कुल। तो सिम्बेक्स, अब याद रखिएगा सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। 27वां संस्करण नवंबर 2020 में आयोजित किया गया था। अब भारत और सिंगापुर के बीच में जो डिफेंस में हुआ है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सिम्बेक्स याद रखिएगा सिंगापुर और भारत के बीच एक अभ्यास सत्र है। दूसरा सिमटेक्स, सिमटेक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास का दूसरा संस्करण नवंबर 2020 में आयोजित किया गया था। तो सिमबेक्स याद रखिएगा, सिमटेक्स भी याद रखिएगा, ये दोनों सैन्य अभ्यास हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकोब। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? ली सिन लुंग। और कैपिटल क्या है सिंगापुर की राजधानी? तो सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी की बात करें तो मुद्रा है दोस्तों सिंगापुर डॉलर। कौन सा? सिंगापुर डॉलर। अगला देखिएगा, सैन्य अभ्यास कवच अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास के भागीदार कौन होंगे? तो सैन्य अभ्यास कवच, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हम कवच सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं। ये अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास के भागीदार कौन कौन होंगे? भारतीय, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय कोस्ट गार्ड। ठीक है, कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर है 5, ऑल ए बी सी एंड डी। इन चारों के बीच में सैन्य अभ्यास किया जाएगा। जानते हैं तो ये है पूरा का पूरा चारों, ठीक है, अंडमान सी में किया जाएगा। तो आगामी सप्ताह से में एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होंगे। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में किया जाएगा। यह अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, भारत की पहली ऐसी कमान
जहां पर तीनों सेनाएं हैं वो कौन सी है, वो है अंडमान और निकोबार कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड जो कि अंडमान निकोबार में है, इनके पास तीनों सेनाएं हैं, मतलब भारतीय वायुसेना भी है, भारतीय अगेन थल सेना भी है, वायुसेना भी है, जल सेना भी है। नेक्स्ट, पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो माता प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, आपसे पूछा गया ये किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहां के? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया। चलिए, उन्होंने 1988-89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। जी स्नैक गैंग, बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों आज के स्टैटिक जीके की। मेरे सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे, बताते जाइए। यस ममता, राजकमल, चलिए आंसर करिए। रिकेट्स डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? अब आप बता लेंगे, फटाफट बताइए, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य मतलब हम और आप इस समय स्वस्थ मनुष्य ही हैं, तो हमारा और आपका रक्तचाप कितना है, ब्लड प्रेशर, जल्दी से बताइए, ब्लड प्रेशर। तो ये दोस्तों होता 120 और 80। जब हम रक्तचाप की बात करते हैं तो एक ऊपर देखते हैं और एक नीचे देखते हैं, ठीक है, तो 120 अबव और 80 नीचे का होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो 120 और 80, तो ये दूसरा आंसर बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। नीतेश का आंसर आ चुका है यहां पर, राजकमल, शिवा चौधरी आंसर आ चुका है, ममता बिल्कुल। चलिए अगला बताइए, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? विच इज द ब्लड प्रेशर मीजरिंग डिवाइस? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ममता जी का भी आंसर आ चुका है, ठीक है, सही मैं बता रहा हूं, देखते जाइए फटाफट, सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये रक्त दाब का मापक यंत्र है। समझ गए मेरी बात? रक्त दाब को इसी से मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के रूप में किसे जाना जाता है? अनुराग जी बिल्कुल सही आंसर किया है, हनी जी, नीतेश, अनुराग, यस नीतेश बिल्कुल आंसर आ गया आपका। सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। तो ये है दोस्तों CO2, पहला बिल्कुल सही है, पहला CO2, COT को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। देन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच इज द मोस्ट एंशियंट वेदास? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जल्दी से बताइए, सबसे प्राचीन वेद। तो दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है, चार वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। तो सबसे, प्रिंस यादव का भी आंसर आ चुका है, ममता जी, ए, अनुराग, नीतेश, राजकमल, ठीक, पहला है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। चलिए, यस अनुराग का आंसर आ चुका है, ममता, नीतेश आंसर आ चुका, बहुत, इंदु मालिक आपका भी आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता आगे कहा गया, पहले सिंधु सभ्यता कहा गया था, क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया था कि ये लोग सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए थे, लेकिन बाद में जब अगेन खोज की जाती रही तो उसके बिहार पर इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। और इसके समकालीन सभ्यता कौन सी थी? इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता। जी प्रिंस यादव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें है, यस। तो दोस्तों ये है लोथल, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, लोथल, ठीक है, याद रखिएगा। देन बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई थी,
मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, मीर कासिम उनके साथ में दो लोग और थे, मुगल बादशाह थे शाह आलम, और अवध के नवाब थे दोस्तों सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला याद रखिएगा, ठीक है। तो अगेन मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला के बीच में लड़ा गया था, लेकिन तीनों सेनाएं पराजित हो गई थी और अंग्रेजों की सेना यहां पर जीत गई थी। ममता राजकमल प्रिंस ममता, बिल्कुल सही आंसर किया है। तो इसके बाद कौन बने थे फिर से, अगेन 1757 की जो लड़ाई हुई थी ना, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में बंगाल का नवाब बना दिए गए थे मीर जाफर, लेकिन फिर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम बनाए गए। मीर कासिम ने बगावत कर दी थी, मीर कासिम के बगावत करने के बाद मीर कासिम तो मार डाले गए थे, फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था। नेक्स्ट, और 1764 में युद्ध होता है, इसके बाद बनते हैं, इसके बाद इनके बेटे बनते हैं, फिर 1773 में पूरा ये शासन ही खत्म कर दिया जाता है। और कौन सा एक्ट आ जाता है दोस्तों, विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है दोस्तों, विनियमन अधिनियम, और ये पहला अधिनियम था कंपनी का, कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया पहला लॉ, पहला कानून कौन सा है तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए यस, मीर जाफर बिल्कुल सही, प्रिंस बिल्कुल, ममता अनुराग नीतेश यस। अगला बताइए, जलियांवाला नरसंहार में किसने गोली चलाने का आदेश दिया, हु ऑर्डर्ड द फायर इन द जलियांवाला मैसेकियर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में किया गया था, जल्दी से बताइए। जी प्रिंस जी, तो जलियांवाला नरसंहार, जल्दी आंसर करिए सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, और आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब इतने अच्छे अच्छे शब्द मैं आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगता हो उसको ले लीजिए, लेकिन सेशन को पहुंचा दीजिए उन लोगों तक, ठीक है, जो भी आपके दोस्त यार हैं। यस, गोविंद सैनी का आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये है रेनाल्ड डायर, ठीक है, तो अगेन माइकल ओ डायर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। माइकल ओ डायर ने ही क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया था निहत्थी जनता पर, जो कि मात्र क्या किया गया था, भारत में रॉलेट एक्ट आया था जो कि काला कानून कहा जाता है। अनुराग भूपेश नीतेश यस, तो दोस्तों काला कानून क्या विरोध चल रहा था और अमृतसर में विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो अगेन याद रखिएगा, इनके जो नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, दैट्स वाई एक बैठक बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग में निकलने का रास्ता एक ही था, अगर आप में से कई लोग जलियांवाला बाग गए हों तो आपने देखा है निकलने का रास्ता एक ही था, और गोली चलाने का आदेश दे दिया, और गोली चलाने के आदेश से काफी लोग यहां पर मर गए थे। और इनको किसने मारा था, तो उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह कहां गए थे, लंदन गए थे, और 1940 में इनको गोली मार करके, ठीक है, इनका काम ढेर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, हु रोट ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र किसने लिखा है, जल्दी से बताइए, ध्रुव चरित्र किसने लिखा है। हाँ बिल्कुल प्रिंस यादव जी, वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को यह घटना घटित हुई थी, बिल्कुल हाँ, किचलू और सत्यपाल, बिल्कुल प्रिंस यादव जी, ठीक है, नाम आपने याद दिला दिया, किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर किचलू एंड सत्यपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है परमानंद दास, ध्रुव चरित्र नामक पुस्तक को परमानंद दास ने लिखा है। अगला, किस शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जल्दी से बताइए, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, किसकी राजधानी है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर, यस प्रिंस यादव जी बिल्कुल, ममता यहां पर बिल्कुल सही है। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, ये सेशन तो यहां पर कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ बात आपको यहां पर बताना चाहूंगा, तो सुन लीजिएगा पहले। आज दोस्तों 23 जनवरी है, आज पराक्रम दिवस मना रहा है भारत, कौन सा पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किसके, तो दोस्तों आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ है, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और 125वीं वर्षगांठ को हमारे देश ने, मतलब केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इस साल से
प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपको पता है वहां की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार से थोड़ा सा अलग अगेन चलती है, दोनों के व्यूज अलग अलग हैं, और क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस साल चुनाव भी हैं, तो इन्होंने देश नायक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कौन सा? देश नायक दिवस, देश नायक दिवस। तो ये बातें थी आज के सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया। प्रिंस यादव जी, इसको भी बोला जाता है, भुवनेश्वर को बोला जाता है, ठीक है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, और ये जो सेशन है इसका फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा टेलीग्राम पर, GAGS बाई अखिलेश अवस्थी। इस चैनल पे जाइए आप सभी लोग, GAGS बाई अखिलेश अवस्थी, आप इस चैनल पर जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको इस सेशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से उसको पढ़िएगा। हाँ बिल्कुल, कहावड़ा से लेकर के कलकत्ता, जो एक ट्रेन चलती थी, पुरानी ट्रेनों में से एक है, उसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रत्येक दिन हम लोग 8:10 पे जुड़ते हैं, 8:10 पे हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो जुड़ना मत भूलिएगा, जहां पर मैं आपसे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी बात करता हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का मिक्सचर है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? तो समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से इसको, और पीडीएफ के लिए मैंने बताया मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, कल तो संडे है, अब हम लोगों की मुलाकात कब होगी? मंडे को 8:10 पर डेली हम आपके साथ जुड़ेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।